hello everyone welcome back to my channel skillix. in the last video we had a discussion on uh, maslow's hierarchy need motivation theory and we also talked about erg theory in this particular video i will be talking about herzberg two-factor theory it is equally important to understand that uh, the earlier theories major though theories coffee popular one was the maslow theory the other was the herzberg two-factor theory uh, so let us take up uh, what this herzberg two factor theory is all about uh, the first thing is that this particular theory was proposed by फेडरिक हर्जबर्ग दैट्स दैट्स द नेम ऑफ द दैट्स थ्योरिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी थी एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी अभी मोटिवेशनल हाइजीन इसको क्यों कहते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में समझाता हूँ वॉच द वीडियो टू द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट ही अ सिंपल क्वेश्चन उसने ये थ्योरी कैसे प्रपोज की पहले उसके मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं दैट हाउ दिस थ्योरी केम मिन टू पिक्चर सो ही आस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट डू पीपल वॉन्ट फ्रॉम देयर जॉब्स लोगों को अपनी नौकरी से क्या चाहिए लोग जो भी काम कर रहे हैं वो उन, उस उस काम से वो चाहते क्या है तो बेसिकली वो क्या कर रहा था मेजरिंग एक्सपेक्टेशन क्योंकि वॉन्ट जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है तो बेसिकली ही वॉज मेजरिंग एक्सपेक्टेशन कि उसकी जॉब से लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है अब इस काम के लिए उसके बाद क्या हुआ फाइनली ही आस्ट पीपल टू एक्सप्लेन उसने उसने लोगों को क्या कहा उसने कहा लोगों को आप समझाओ वे वेन डिड यू फेल्ट गुड अबाउट द जॉब एंड वेन डिड यू फेल्ट बैड कब आपको अच्छा लगा और कब आपको बुरा लगा तो यू एक्सप्लेन द सिचुएशंस आप सिचुएशंस बताओ कि किन वजह से कोई चीज आपको अच्छी लगी किस वजह से कोई चीज बुरी लगी तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो दो क्वेश्चन गए वन व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम देयर जॉब सेकंड व्हाट डू पीपल फेल्ट गुड अबाउट देयर जॉब एंड व्हाट डू पीपल फेल्ट बैड अबाउट देयर जॉब्स तो ये उनका कहीं कही ना कहीं की क्वेश्चन था दिस वॉज लाइक देयर की क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हुआ द रिस्पॉन्ज वर कलेक्टेड सारे लोगों से जब उन्होंने पूछा इस क्वेश्चन के बारे में द पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू हिम लोगों ने रिस्पॉन्स किया एंड फाइनली ही कटेगराइज ही कैटेगराइज ऑल दोज रिस्पॉन्सेज इंटू टू पार्ट वन वॉज कॉल्ड द मोटिवेशनल फैक्टर द अदर वॉज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर एंड दैट इज द रीजन वाई मैंने आपको अभी भी बताया था दैट दिस थ्योरी इज कॉल्ड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और इसी वजह से थ्योरी का नाम टू फैक्टर थ्योरी भी कहलाया

वो क्या क्या चीजों से हैं बेसिकली जिसको उन्होंने सेटिसफैक्शन uh, को इसने बेसिकली कहा इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी नाम रखा गया या मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या थे तो मोटिवेशनल फैक्टर के लिए डिसाइड दैट पीपल हु आर हुफाइड दे आर लुकिंग फॉर एडवांसमेंट आर लुकिंग फॉर रिकोगशन दे आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर लुकिंग फॉर अचीवमेंट ये सब रीजन है दीज आर लाइक सर्टन फैक्टर्स विच मोटिवेट्स पीपल

एवरीबडी सेज दैट दे आर डूंगे आर गेटिंग क्योंकि टारगेट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं शायद कंपनी की पॉलिसीज से छुट्टियों की जो हॉलीडेज की पॉलिसीज होती है उनसे वो खुश नहीं है वो अपने वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है किस तरह का वर्किंग कंडीशन है और उनके जो सबॉर्डिनेट्स उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनसे खुश नहीं है तो दीज आर सर्टन रीजन जो निकल कर आए की सेटिस्फाइड पीपल ने ये कहा और अनसेटिस्फाइड लोगों ने ये कहा ठीक है लेकिन अब इससे निकला क्या फाइनली वॉट फैक्टर रिलेटेड टू इज डिफरेंट फ्रॉम सैटिस्फैक्शन जो मजेदार चीज निकल कर आई आप और आप ये देख भी सकते हैं कि जो dissatisfaction के फैक्टर्स आए हैं जो ये वाले फैक्टर्स हैं वो कही कहीं ना कहीं डिफरेंट है और जो सेटिसफैक्शन के आए हैं वो डिफरेंट है तो दिस इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग ठीक है तो वॉट ही कंक्लूडेड तो इम्प्लीकेशन क्या आई ही इम्प्लीकेशन में कहा इफ यू एलिमिनेट द डिसटिस्फैक्शन फैक्टर्स दैट वुड नॉट ब्रिंग मोटिवेशन टू पीपल बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करें मोटिव आपके डिसेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स कौन से ये वाले दीज आर लाइक डिसैटिस्फैक्शन फैक्टर्स ही सेट इफ यू एलिमिनेट दिस अगर आप इसको हटा भी देते हो कि आप पॉलिसी अच्छी कर दो कंपनी की आप अच्छे सैलरी दे दो आप सुपरविजन अच्छा कर दो सबॉर्डिनेट के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाए वर्किंग कंडीशन आर गुड ऑल दीज थिंग्स विल नॉट मोटिवेट पीपल इट विल ओनली रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन

एंड डिसोजिट इज ऑल्सो नो डिसक्शन और वो उसका रीजन क्या निकला जो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या रीजन था रीजन वॉज इफ यू इवन इफ यू रिड्यूस योर डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स अगर आप डिसटिस्फैक्शन फैक्टर्स को कम भी कर देते हैं दैट विल नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन मोटिवेशन उससे नहीं बढ़ेगा बिकॉज मोटिवेशन फैक्टर्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू डिसटिस्फैक्शन फैक्टर्स दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी पेपर में आपके एग्जाम में अगर आता है इफ द हजबर्क थियोरी इज देर डेफिनेटली मेक दिस डिस डायग्राम बिकॉज इट इट क्लियरली एक्सप्लेन यू दैट हर्सबर्क का जो व्यू था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अगले पुराने वाले व्यू से डिफरेंट था आई वुड ऑल्सो लाइक टू कोट वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ओवर देयर आपको मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल समझाता हूँ जो मैंने अपने क्लास रूम के एग्जाम्पल्स में भी काफी बार समझाया लुक एट इफ इफ देर आर टू क्लास रूम अगर एक दो क्लास रूम्स हैं यहाँ भी 90 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर भी 90 स्टूडेंट्स हैं 90 स्टूडेंट्स बैठे हैं एंड इज कॉमन वॉशरूम ओवर हियर एक कॉमन वॉशरूम है जो कि दोनों क्लासरूम के बच्चे शेयर करते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग तो अब हो क्या रहा है अगर हम वेन वी गो टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम हम कॉलेज आए पहली बार अपने क्लासरूम में जाके बैठे एंड आई एम आई एम दैट देर इज अ वॉशरूम ओवर देयर एक वॉशरूम यहां पर है अगर अभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आई कैन गो टू दिस दिस बट इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर सिंपल दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर नो बड विल गो टू दैट वॉशरूम कोई भी उस वॉशरूम के पास जाकर ये नहीं कहेगा वाओ देर इज अ वॉशरूम इन दिस कॉलेज नो बडी इज गोइंग टू से दिस ऑब्वियसली सो दैट इज द रीजन वाई दिस दिस कुड बी अ दिस कैन रिड्यूस योर डिसन अगर कोई यही आपको कह दे दैट देर इज नो वॉशरूम इन द कॉलेज एंड इफ यू वॉन्ट टू गो टू अ वॉशरूम यू हैव टू टेक एन ऑटो यू हैव टू है टेन किलोमीटर एंड देन यू विल रीच टू अ वॉशरूम कॉलेज ने सारे वॉशरूम वहां बना रखे हैं तो आपको कैसा लगेगा यू विल गेट यू यू विल विल पिस्ट ऑफ यू विल विटिसफैक्शन यू विल विट वॉट वट द बुलेट इज दिस इज ऑल अबाउट तो कहीं ना कहीं वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि दीज लाइक वॉशरूम्स लाइक अलग है और डिस मतलब, हैं ठीक, बट क्रिटिसिज्म ऑफ है तो criticism तो होगा ही तो क्या क्या criticism थे फर्स्ट बहुत नैरो अदर वॉज हाइजीन इतने सारे रिस्पॉन्स के बाद भी हैव मेड मल्टीपल फैक्टर्स और भी फैक्टर्स बना सकता था बट थ्योरी का नाम ही टू फैक्टर रख दिया था तो मेरे ख्याल से टू फैक्टर या तो पता नहीं नाम रखकर दो फैक्टर बनाए या फैक्टर रख के दो नाम बताए वो मुझे पता नहीं नेक्स्ट द ओवरऑल मेथोडोलॉजी ऑफ दिस थ्योरी वॉज लाइक क्वेश्चन जो पूरा मेथोडोलॉजी फॉलो किया कि कैसे हाउ डिड ही नैरो डाउन टू टू फैक्टर्स एंड वट काइंड ऑफ ही कलेक्टेड एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर ये सारे मेथोडोलॉजी ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गई uh, उसको लोगों ने माना नहीं उतना ज्यादा नेक्स्ट इट ही एज्यूम दट सेटिस्फैक्शन टू प्रोडक्टिविटी इसने क्या एज्यूम कर लिया कि अगर लोग सेटिस्फाइड है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं जी प्रोडक्टिव है वो ऐसा जरूरी नहीं है दिस इज नॉट ट्रू इन मोस्ट ऑफ द स्टडीज आफ्टर दिस ये भी प्रूव हुआ है दैट इवन पीपल आर सैटिस्फाइड देर नॉट प्रोडक्टिव वो काम नहीं कर रहे तब भी एंड लास्ट द थ्योरी वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर द थ्योरी कहीं से भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी एंड दैट इज द रीजन बाय दिस थ्योरी ऑल्सो लाइक अ वेरी अर्लियर स्टोरी उसके बाद बहुत सारे मोटिवेशन की थ्योरीज आई बट दिस वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल थ्योरी विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस थ्योरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो Keep sharing, keep liking, keep subscribing.